हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं आर के, मैं तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एग्जामपुर परिवार में। हम है कलम से क्रांति और आज हमारे साथ मौजूद है महिपाल सर। और मैं और महिपाल सर मिलकर के आपको कुछ बातें बताएंगे एक अवेयरनेस के तरीके से, कुछ अवेयर करने जा रहे हैं हम आपको। तो किस बारे में है सर, थोड़ा सा एक बार जानकारी दे देते हैं बच्चों को। और उससे पहले एक बात और जरूरी जाननी है बच्चे, आज यानी कि 1 मार्च 2022 ये एक दिन के लिए और एक्सटेंड हुआ है। 60% का जो ऑफ है किसी भी कोर्स पे, एग्जामपुर के एप्लीकेशन के किसी भी कोर्स पे सुपर 60 कोड लगा करके ये आज एक्सटेंड हुआ है। तो आज रात 12 बजे तक आप इसका ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। बुक के लिए बुक 30 कोड है और किसी भी कोर्स में पाने के लिए सुपर 60 कोड है, 60% डिस्काउंट और इसका 30%। खैर, अब मुद्दे पे आए सर, चलिए अब कुछ जादू दिखाने वाले हैं बच्चों आपको। अब आप कहोगे सर ये क्या था, सर जरा बताइए बच्चों को ये क्या था। सबसे पहले तो ये देखना है आपने कि ये जो है ना sbi.co.in वेबसाइट पर है। दैट मींस ये एसबीआई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर है ये। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर उन्होंने कुछ कॉशन डाला है कि भाई फेक सिलेक्शन लेटर्स, तो कुछ लोगों के पास एसबीआई के नाम पर फेक सिलेक्शन लेटर्स भेजे गए हैं, राइट। और वो अभी तक सिलेक्शन का पार्ट आया ही नहीं है, कोई ऐसा रिजल्ट का डिक्लेरेशन हुआ ही नहीं है, फिर भी सिलेक्शन लेटर भेजे गए हैं। तो अगर किसी के पास ऐसा कुछ आता है तो उसका बिलीव ना करें। साफ साफ लिखा हुआ है, इट हैज बीन रिपोर्टेड टू अस दैट सम फ्रॉडर्स हैव होस्टेड वेबसाइट मेकिंग देम अपीयर टू बी दोज ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो एक फेक वेबसाइट बनाई गई, उसके ऊपर दिखाया जा रहा है कि उसका नाम और आपका ऑफर लेटर ये इस तरीके से। तो फेक लिस्ट ऑफ द सिलेक्शन पोस्ट इन एसबीआई हैव बीन पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट, रिपोर्टेडली अपॉइंटमेंट लेटर्स आर आल्सो बीइंग इश्यूड। अब देखो सीधे सीधे, इट इज क्लैरिफाइड दैट एसबीआई नेवर पब्लिश द नेम ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स, राइट, और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑन वेबसाइट। तो वेबसाइट पर कभी भी नेम नहीं दिखाता है, वेबसाइट पर कभी भी नेम नहीं दिखाता है, राइट, ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरा, अगर दिखाता भी है तो रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर केवल दिखाए जाते हैं शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के, और उनको इंडिविजुअली इन्फॉर्म किया जाता है या तो एसएमएस के थ्रू या तो मेल के थ्रू, और इंडिविजुअली मेल करके आपको बताया जाता है कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। ऐसे कॉल लेटर नहीं भेजा जाता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है, राइट। तो कॉल लेटर नहीं भेजा जाता है, हाँ डेफिनेटली जैसे अगर आपका सिलेक्शन हो गया उसके लिए ज्वाइनिंग लेटर के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स आते हैं आपके पास, वो एक अलग बात है, वो पुलिस वेरिफिकेशन, हाँ पुलिस वेरिफिकेशन के बाद, तो वो बाद की कहानी है। बट कोई सिलेक्शन लेटर या फिर ऐसा कुछ ऑफर लेटर नहीं भेजा जाता है। तो ये बहुत बड़े लेवल पे बच्चों ये चीज चल रही है, तो कई बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होता, उन्होंने एग्जाम दे दिया, अब उनको अनएक्सपेक्टेड होता है उनका कि अरे मेरा सिलेक्शन हो गया, अरे इस वेबसाइट पे मेरा दिखा रहा है। अब दूर दराज गांव देहात के बच्चे होते हैं, उनको इतना पता नहीं होता और बाद में वो इस जाल में फंस जाते हैं और बहुत नुकसान होता है। और वो इस तरीके से दिखाया गया है कि वो भी ऐसे ही लग रहा है कि जैसे एक्चुअल में एसबीआई की वेबसाइट पर हो, उन्होंने नाम भी वैसे ही रखा है बट वो फेक वेबसाइट्स हैं। तो आप इसको क्रॉस चेक करके अच्छे से ध्यान रखें, और ये भी चीजों का ध्यान रखें कि एसबीआई कभी भी सिलेक्शन लेटर आपके घर नहीं भेजता, केवल मेल या मेल आईडी से या एसएमएस के थ्रू आपको इन्फॉर्म किया जाता है, ठीक है। और ये इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है बच्चे, इसको ही एकदम ऑथेंटिक मानना, या तो ये वाला और या फिर साथ में ये वाला, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा यूआरएल कोड है बच्चे, www.sbi.co.in/careers, ठीक है, या फिर इसका bank.sbi/careers, यानी कि ये आपका डायरेक्टली फ्रंट पेज आपका खुलेगा, ये आपका मेन माना जाएगा, ठीक है बच्चे। और ये जो करियर्स वाला है, एक्चुअल में वेबसाइट www.sbi.co.in है, फिर करियर्स में जाते हैं तो ये वाला पार्ट खुलता है और फिर ये आपको दिखाई देगा लेटर, बिल्कुल, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं फिनिश किया जाए करते हैं। तो चलिए, आप उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, तो इस जानकारी को अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, जय हिंद, थैंक यू।